नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज, मैं हनी यादव। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा, इसकी घोषणा सदन में शिक्षा और धार्मिक न्यास मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है, उसे रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब भी दिया। बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए।